हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एस एफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। तो हमको एलसीएम निकालना है। तो इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है और गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ है एस सी एफ जो है वो 9 है, ठीक है। हमको फॉर्मूला क्या मालूम है? फॉर्मूला है कि एल सी एम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एल सी एम हमको निकालना है, एस सी एफ 9 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 306 इंटू 657, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाइन। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ का इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, मतलब जितना छोटा हो सके कर ले। तो जैसे ये वैल्यूज कट रही हैं, जैसे 3 3 जा 3 1 0 2, फिर ये भी कट रहा है इससे 3 1 जा 3 6 3 1 जा 3 27 3 9 जा 27। तो थोड़ा सा ये छोटा हो गया है अब, ठीक है। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है 2 2 3 3 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।